हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? बढ़िया, मैं शांतनु। सट्टू गो में आप सबका स्वागत है। गोवा का फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि हम लोग बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस पे गया था और वहीं पे फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया था। तो उसके बाद वहां से निकल के अभी हम लोग जा रहे ओल्ड गोवा के ओर, और जाते वक्त हम लोग को पुर्तगीज कॉलोनी मिल गया। तो मेरा साथ जो गाइड था वो मुझे बता रहा था कि पुर्तगीज कॉलोनी में हर बिल्डिंग में बैल्कनी मस्ट, मतलब वो लोग बैल्कनी को बहुत पसंद करते। तो ये सब बिल्डिंग देखते देखते हम लोग चल पड़े मेन सिटी के ओर। तो रास्ते में मुझे क्या क्या मिला, चलिए आपको भी थोड़ा दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ मीरामार बीच पे। ये काफ़ी फेमस बीच है साउथ गोवा का। देखिए चारों तरफ कैसा लग रहा है। अब बीच मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है। ये कुछ इधर पार्क बना हुआ है बच्चों के खेलने के लिए। बीच दिखाता हूं आपको। लेफ्ट में बीच दिख रहा है। काफी तेज धूप है, शायद ठीक से ना दिखे। ये ओल्ड का मीरामार बीच है, और ये देखिए मेरे पीछे वो जो बिल्डिंग दिख रहा है वो है मैरियट होटल। दोस्तों, आज सुबह से इतना अच्छा लग रहा है, क्या बताया आपको, बहुत ही अच्छा अच्छा जगह देखा। Really beautiful. बहुत ही अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है।
ये बीच तो देख लिया, अभी चलो एक काम करते हैं, दूसरा किसी बीच पे चलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं क्या मिलता है, क्योंकि नाइट के टाइम में ये तो अच्छा लगता है, लेकिन अभी तो पूरा इतना तेज धूप। चलो फिर दूसरा जगह चलते हैं। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ डोनापोला बीच साउथ गोवा में, इसमें कई सारे मूवीज़ का शूटिंग भी हुआ था, मेरा गाइड ने मुझे बताया। जैसे कि सिंघम मूवी में एक फाइट सीन था अजय देवगन के साथ, वो इसी बीच पे हुआ था शूट, तो वहीं पे जा रहा हूँ। यहाँ जाने के लिए आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, ये बोल रहा था कि मेन रोड से गाड़ी रख के आपको 1 किलोमीटर तक वॉकिंग करना है, तो देखते हैं कैसा है ये बीच। तो दोस्तों डोनापोला बीच में मैं आ गया हूँ, और ये है मेरे पीछे टिकट काउंटर, यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा, जो पर हेड पड़ेगा 50 रुपीज़ करके। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये जगह काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे कई सारे मूवीज़ का शूटिंग भी हुआ था, तो यहाँ मैंने पूछा वो गेट पे कि हम ड्रोन पे फोटो ले सकते हैं क्या नहीं, तो बोला कि हाँ, उसको दिखाया पहले। ऐसे तो ड्रोन अलाउ नहीं है, लेकिन ये छोटा है तो इसीलिए मतलब ये अलाउ कर दिया। मैं पूछ के आया उधर। हाँ, अभी ये बंदा आया था मुझे बोलने के लिए कि ड्रोन अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने बोला कि मैं गेट पे उधर बोल के ही आया हूँ, तो ऐसा कोई बात नहीं है। सो यू मस्ट चेक बिफोर एंट्री, आपको जब आना है, आने से पहले आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि अलाउ करेगा कि नहीं। डोनापोला बीच से निकल के हम लोग सीधा चले गए गोवा का मशहूर क्रूज पे, और जाते वक्त बिग डैडी का कैसीनो भी थोड़ा देख लिया दोस्तों। उसके बाद पहुंच गया क्रूज,
पहले ये अपर डेक में गया मैं कि कैसा है देखने के लिए और आप लोगों को भी दिखाने के लिए। अपर डेक देख के फिर चले गए नीचे का डेक में। वहाँ पे काफी सारा म्यूजिक बज रहा था और साथ में टूरिस्ट लोग बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। बाहर का सिनारी लाजवाब था दोस्तों। आप लोग जो लोग अभी तक गोवा नहीं आए उन सभी को बोलूंगा कि आप लोग प्लीज एक बार गोवा विजिट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। ऊंट पे चढ़ते हुए मैंने काफी सारा वीडियो लिया, उसमें से बहुत सारा हम लोग के जैसा ही बोट था। आज का वीडियो तो यहीं पे खत्म करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे नॉर्थ गोवा, बहुत सारे बीचेस और नाइट क्लब्स भी। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट पे जरूर बताना दोस्तों। सब अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, जुड़े रहिएगा सेट टू गो के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। Tenuri cha tenuri